लोकसभा के बाद राज्यसभा में आज पीएम मोदी के भाषण के दौरान विपक्ष ने खूब हंगामा किया। इसके बावजूद पीएम मोदी अपना भाषण देते रहे, जिसके बाद विपक्ष ने वॉकआउट कर लिया। विपक्ष के सांसद पीएम मोदी के भाषण के दौरान ही उठकर राज्यसभा से चले गए। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष के पास सच सुनने की ताकत नहीं है, विपक्ष मैदान छोड़कर भागा है, विपक्ष जनादेश को पचा नहीं पा रहा है, वो सत्य का मुकाबला नहीं कर सकता। पीएम मोदी ने कहा, जिनका सत्य से मुकाबला करना, इसके लिए जिनके हौसले नहीं है, वो बैठ करके इतनी चर्चा के बाद उन्होंने उठाए हुए सवालों के जवाब भी सुनने की हिम्मत नहीं है। देश देख रहा है कि झूठ फैलाने वालों में सत्य सुनने की ताकत भी नहीं होती। इनके पास सच का मुकाबला करने का हौसला नहीं है। इतनी चर्चा के बाद उनमें उठाए गए सवालों के जवाब सुनने की भी हिम्मत नहीं है। ये उच्च सदन की महान परंपरा को अपमानित कर रहे हैं। देश की जनता ने हर तरह से उनको पराजित कर दिया है। वहीं राज्यसभा में पीएम मोदी ने आगे कहा, जो ये मानते हैं कि इसमें क्या है, ये तो होने ही वाला है, ये तो अपने आप में हो ही जाएगा। ऐसे विद्वान हैं ये लोग जो ऐसे हैं, जो ऑटो पायलट मोड में रिमोट कंट्रोल सरकार चलाने के आदी हैं। ये कुछ करने धरने में विश्वास नहीं रखते, ये इंतज़ार करना जानते हैं, लेकिन हम परिश्रम में कोई कमी नहीं रखते। पिछले 10 सालों में हमने जो किया है उसकी गति भी बढ़ाएंगे, उसका विस्तार भी करेंगे, गहराई भी होगी, ऊंचाई भी होगी और इस संकल्प को पूरा करेंगे। वहीं विपक्षी सांसदों के वॉकआउट करने पर सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि अनुरोध किया कि प्रतिपक्ष के नेता को बिना बेरोक टोक बोलने का सुअवसर दिया। आज वो सदन छोड़कर नहीं गए, मर्यादा छोड़कर गए हैं। आज उन्होंने मुझे पीठ नहीं दिखाई है, भारत के संविधान को पीठ दिखाई है। आज उन्होंने मेरा अनादर और आपका अनादर नहीं किया है, उस शपथ का अनादर किया है जो संविधान के तहत ली है। भारत के संविधान की इससे बड़ी अपमानित बात नहीं हो सकती।